गाइस, तो आज मैं आपको मेरे गार्डन की सैर करवाने वाला हूँ। ये मेरा छोटा भाई जो बहुत बदमाशी करता है। तो आज मैं आपको मेरे जो गार्डन पौधे लगे हुए हैं उनका नाम बताने वाला हूँ। तो चलिए बैक कैमरा करके आपको इनके नाम बताता हूँ। ये देखिए मेरा बहुत प्यारा सा गार्डन जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है मेरा एक छोटा सा स्नेक प्लांट, और ये मम्मी ने बहुत मेहनत से ये गुलाब के पौधे लगाए हैं जिस पे अभी तक गुलाब नहीं लगे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितने मस्त मस्त गुलाब लगे हुए हैं, वाह कितने सुंदर हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बेल लगी हुई है, और ये रहा हमारी लिली का पौधा। ये एक और गुलाब मम्मी ने बहुत मेहनत से लगाए हैं, और मम्मी कह रही है कि दो और लगाने हैं। ये देखिए हमारे गुड़हल का पौधा, और ये है अजवाइन, और ये एक और पौधा है जिसका मुझे अभी नाम नहीं पता है। और ये देखिए हमने मम्मी ने बहुत मेहनत से यहाँ कुछ बीज लगाए हैं टमाटर के, जो अब धीरे धीरे, यह देखिए आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं। और ये है हमारे मोगरे का पौधा, और ये दो और छोटे छोटे स्नेक प्लांट, एक ये है हमारा लाल वाला गुड़हल, और ये मेरे पापा ने बहुत मेहनत से मेडिसिनल प्लांट लगाया है, इसका नाम गुड़मार है। ये एक तुलसी, एक और मेडिसिनल प्लांट, और ये है हमारा वाइट गुड़हल। और यहाँ कुछ और पौधे रखे हैं, मिर्ची वगैरह, नीम लगा हुआ है, और ये देखिए पाइनएप्पल भी है। और ये मेरे छोटे भाई ने कुछ पता नहीं, हाँ टमाटर के पौधे, टमाटर के बीज लगाए हैं, मैरीगोल्ड के बीज लगाए हैं। और ये रही हमारी ग्रास जहाँ हम रोज सुबह सुबह टहलते हैं। तो अब मैं गाइस आप हार वाले गार्डन की सैर कराने वाला हूँ। तो चलिए हम मेरे बाहर वाले गार्डन की सैर करते हैं मेरे छोटे भाई के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यहाँ सब्जियाँ भी लगी हुई है बहुत सारी। ये देखिए मैरीगोल्ड के कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। ये नीम है, ये पुदीना, ये बहुत सारी बेल है, और ये भिंडी के पौधे। और ये देखिए हमारे ये चीकू का पेड़ कितना बड़ा है, ये मेरे से बहुत ऊपर है ये। और ये देखिए यहाँ और कुछ मैरीगोल्ड के पौधे लगाए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ ये देखिए एलोवेरा भी लगाया हुआ है, मेडिसिनल प्लांट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ये जो है ये सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं। पापा आज यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो पूछते हैं। पापा आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं यहाँ पर ये जो पौधा रखा हुआ ना, ये अमरूद का पौधा है, इसको लगाएंगे ना। आपको अमरूद बहुत पसंद है ना? हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है अमरूद। ध्रुवा को भी बहुत पसंद है अमरूद, है ना। जो पौधे होते हैं ना, पौधे अभी अपने राजस्थान में पता है आपको बारिश बहुत कम हो रही है। हाँ, बारिश बहुत कम हो रही है। तो बारिश अपने देखो पेड़ पौधे बहुत कम है ना, जंगलों की कमी है, पेड़ पौधे अपने काट दिए तो है ना, वापस धरती को हरा भरा करते है ना, है ना। धरती जब पेड़ लगेंगे धरती पर तो अपने को छांव मिलती है, फल मिलते हैं, है ना, और बारिश वगैरह अच्छी होती है, घर ठंडा रहता है ना, इसलिए बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं। तो ये देखो जैविक खाद है, ये ना कैचवे से बनती है ये। इस खाद को अपन क्या करेंगे, इसमें डाल के, और ये अभी जो अमरूद का पौधा है इसको लगाएंगे ना। तो देखिए गाइस और भी बहुत सारे पौधे हैं, ये आम का, और ये बेल भी है, ये मिर्ची, और ये नींबू आप देख सकते हैं। और अब हमने इस खाद को और सॉइल को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसके अंदर अमरूद का पौधा लगाने वाले हैं। अगर हम हमारे घर पर जितने पौधे लगा सकते हैं उतने लगाने चाहिए हमें, क्योंकि पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, और हमें फल देते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, सब्जियां देते हैं। ये देखिए एक अनार का भी पौधा है, और यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है। ये देखिए मेरा भाई यहाँ बैठकर पता नहीं मिट्टी से खेल रहा है या क्या कर रहा है। क्या कर रहा है ध्रुव? ये कौन सा है पता है आपको, कौन सा पौधा है ये? क्या है, कौन सा है बताओ? मेरे को फेवरेट है वो। जो आपका फेवरेट है, कौन सा फेवरेट है आपका? चीकू। और कौन सा है? ये चीकू तो है नहीं, ये कौन सा पौधा है? बड़ा वाला चीकू। और ये अमरूद जो भी लग रहा है। अच्छा, अब पौधे को पानी पिलाना ना, तो आप पाइप लेके आओ, जो पानी का पाइप लेके आओ। जल्दी जा, दौड़ जल्दी। वो गया मेरा भाई दौड़ के, वो गया
तो हमें पौधे के अंदर खाद डालना भी बहुत पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ग्रो नहीं होगा नहीं तो फिर हमारा अमरूद जो है ये ग्रो नहीं हो पाएगा। हमने इसके अलावा भी एक और अमरूद लगाया हुआ है जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, पर वो छुप गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। अब हम देखिए इस प्लांट को अब हम ग्रो करेंगे। इसकी हमने थैली उतार दी है, हम ये नर्सरी से लाए खाद और अब हम इस पौधे को ग्रो करेंगे। इसको पहले हम इसके अंदर रख के फिर इसके ऊपर थोड़ा और सॉइल डालेंगे। ये देखिए सॉइल और खाद को मिक्स करने के बाद हमने छोटा सा खड्डा खोद दिया है। अब उसके अंदर हम इसको डालने वाले हैं और ये डाल दिया। अब इसको चारों तरफ से मिट्टी से और कवर कर देंगे और अब इसके बाद में इसको पानी पिलाना है और हमारा पौधा लग चुका है अच्छी तरह से। पाइप नहीं लाया, उधर क्यों रखा तूने? अरे पहले पाइप लेके आ, पानी कैसे पिलाएगा, जा। आ नहीं रहा दोस्तों, तो अब मेरे छोटे भाई से पाइप आ नहीं रहा है तो अब मुझे ही लाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय करो, बाय।